पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बीजापुर जिले के कुटरू थाना क्षेत्र में तैनात एएसआई गोरिया कोरसा छुट्टी लेकर अपने घर जा रहा था और तभी वो अचानक गायब हो गया, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। लापता एएसआई की खोजबीन पुलिस कर रही थी और तभी उसका शव बीजापुर कुटरू मार्ग के कैतुलनाल के पास सड़क पर बरामद हुआ। वहीं थोड़ी दूर पर उसकी लावारिस हालत में गाड़ी भी बरामद की गई। बता दें, नक्सलियों ने जवान का अपहरण कर लिया था, जिसके बाद नक्सलियों ने जवान की हत्या कर शव को फेंक दिया। जवान की जेब से नक्सलियों द्वारा लिखा गया एक पर्चा बरामद किया गया, जिसमें भैरमगढ़ एरिया कमेटी ने हत्या की जिम्मेदारी ली। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। विजय पचौरी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। विजय, एक सस्पी लापता हुए और उनका शव बरामद किया गया और अब यह कयास लगाए जा रहे हैं कि नक्सलियों द्वारा उन पर हमला किया गया, पूरा मामला क्या है जानना चाहेंगे। जी, मैं आपको बता दूं कि बीजापुर क्षेत्र का ये पूरा मामला है। कल कोटू थाना में पता चला एएसआई अपने घर छुट्टी के लिए निकले हुए थे और छुट्टी से निकलने के बाद जो है अपनी मोटरसाइकिल पे वो दंतेवाड़ा की ओर आ रहे थे, तभी कुटरू के जंगल में कुछ नक्सलियों ने उन्हें रोका और उनकी बाइक वहीं पे पड़ी हुई थी और वो वहां से लापता हो गए थे। इसकी जानकारी ग्रामीणों ने थाने में कोतवाली में दी थी कि एक पुलिस वाले को जो है कुछ लोग यहाँ रोके हुए हैं, जिस पर पुलिस जो है उसको ढूंढ रही थी, लेकिन बीती करीब 7 से 8 घंटा ढूंढने के बाद जो है जवान का शव जो है बीती रात कुटरू के जंगल के पास में नक्सलियों ने उसे मार के फेंका है। जिस प्रकार से नक्सली ले जाते हैं और जो जिस प्रकार से नक्सलियों ने जवान के जेब में चिट्ठी डाली है और अब जवान की हत्या की उन्होंने जिम्मेदारी ली है और नक्सली लगातार जिस हिसाब से ग्रामीणों की हत्या कर रहे हैं, जवानों को हत्या कर रहे हैं, तो नक्सलियों के इलाकों से जनाधार लगातार गिर रहा है। नक्सली की भी नक्सली घटना अंजाम देने की तलाश में होते हैं और घटना को अंजाम भी दे रहे हैं। हालांकि इसकी जाँच पुलिस जरूर कर रही है, क्योंकि जिस प्रकार से हत्या की गई है उस प्रकार से नक्सलियों की हत्या और जिस प्रकार से पर्चा मिला है तो कहीं ना कहीं ये नक्सलियों ने ही इसकी हत्या की थी। हालांकि अब पुलिस जो है इसकी जांच में लगी हुई है। जी, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका।